सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे आपने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद इफ योर एफआई इज कमिंग आउट टू बी टोटल डेटा, अगर आपके पास 300 था, आपने कैलकुलेशन किया, आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद एफआई समेशन ऑफ एफआई इज कमिंग आउट टू बी 250, इसका मतलब जानते हो दया, ये तो गलत है ही, ऊपर वाला भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो गलत है ही, ऊपर वाला भी गलत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करना, एक बात याद रखना कि अपने दिमाग को शांत रख के इस टॉपिक के क्वेश्चंस करना। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन को, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना दोस्तों, बात याद रखना, अपने दिमाग को एकदम शांत रख के, एकाग्र चित रख के इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करना। अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक, यू विल लूज मार्क्स, एंड नॉट ओनली मार्क्स, यू विल लूज योर प्रेशियस टाइम ऑल्सो। आपको लगेगा आंसर गलत आ रहा है तो आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गई, तो यू विल कीप ऑन रिविजिटिंग द क्वेश्चन, यू विल कीप ऑन रिविजिटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, यस, दिस टॉपिक रिक्वायर्स मोर थिंकिंग, दिस टॉपिक रिक्वायर्स मोर कैलकुलेशन देन थिंकिंग, दैट इज वाई आई टीच दिस टॉपिक इन द एंड, एंड दिस टॉपिक हैज वेरी बैड मेमोरीज विथ मी। द ओनली प्लेस वेयर आई लॉस्ट मार्क्स इन व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, दैट वाज इन दिस टॉपिक ओनली, एंड आई डिड सम कैलकुलेशन मिस्टेक, और ज्यादा तो याद नहीं है क्योंकि बात काफी पुरानी हो गई है। थोड़ा बहुत याद है कि मुझे ऐसा लगता है जो समेशन एफ आई मेरा आया था ना, that didn't matched with the total FI that was given, जहां तक मुझे याद आ रहा है। I will search it, अगर कहीं पे net पे मेरे को 2002 का paper मिल जाता है तो I'll share that question with all of you। तो problem उसमें यही हुई थी कि जो submission FI मेरा आया था, that was not equal to the FI that was being given, and I lost 3 marks, और मेरे पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई। Yes, my dear friend, I got 97 out of 100. और हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स नहीं हुआ करते थे। हमारा पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का आता था। We were supposed to solve some 25 questions of 100 marks. That was the pattern. और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ करता था। So I got just 97, वो चीजें मुझे आज भी हॉन्ट करती हैं कि why I did that mistake. Otherwise it would have been nice, लेकिन जो हो गया सो हो गया। NTSC का एग्जाम आप लाइफ में एक ही बार दे सकते हो, तो जब भी वो एग्जाम देना, सीरियसली देना। बोर्ड एग्जाम योर फर्स्ट कॉम्पिटिशन इन द लाइफ, बी वेरी सीरियस अबाउट इट। एक बार इस कॉम्पिटिशन में अच्छा करोगे ना, आज की डेट में बोर्ड एग्जाम की जो मार्कशीट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन के रह गई है, और फ्यूचर में जब आप MBA करने जाओगे, डैट टू इफ यू आर प्लानिंग फॉर एन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद और फ्रॉम बेंगलोर और फ्रॉम कोझीकोड, then that board marks will matter because they consider overall academic performance in addition to your CAT score. But rest of all, graduation ke baad, in especially engineering ke baad, kisi bhi company mein jao, not going to ask how much marks you got in 10th standard. वो उस मूवी में बोलता है ना कि आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता। आपसे सिर्फ आपके बीटेक के मार्क्स पूछे जाते हैं। हाँ, और ये जरूर पूछा जाता है कि बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में 80% और छठे सेमेस्टर में 70% क्यों, ये डिक्लाइन क्यों आया, ये जरूर पूछा जाएगा। अदरवाइज ये नहीं पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में LKG में तो बेटा तुम्हारे 90% नंबर थे, फोर्थ में तुम्हारे 80% नंबर थे, और टेंथ में तुम्हारे 70% नंबर रह गए, ये नहीं पूछा जाएगा। Nobody is going to ask it like that. ठीक, चल
अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने मीन निकालने की बातें की हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने मीन निकालने की बात की, मीन ऑफ ग्रुप डेटा में पहला मेथड जो हमने किया डेट वाज डायरेक्ट मेथड। नाउ वी विल बी डीलिंग विथ एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसको अपन शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। अब ये क्या है ये शॉर्टकट मेथड, व्हाई व्हाई क्यों पढ़े? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये जो शॉर्टकट मेथड है बेसिकली लॉन्ग कट मेथड बन जाता है। बेसिकली द मेथड इज डिराइव फ्रॉम डेविएशन। नाउ व्हाट इज दिस डेविएशन सर? अभी डेविएशन क्या होता है? डेविएशन ये होता है, My voice is breaking. Okay, there is some internet connection, internet issue. I'll try to speak louder. I hope it gets resolved. I'll try to speak louder. So now this method is based upon deviation. First of all, let us try to understand. What is this deviation? Again, it is cracking. Oh God! No, sir, it's not cracking. It is not cracking, huh? ठीक है। अब हमें बात करनी है। अब सी, अगर किसी की वॉइस क्रैक होती है तो आप प्लीज बेटा आप एक काम कर सकते हो, यू कैन जस्ट रिकनेक्ट। हाँ, हो सकता है प्रॉब्लम आपके एंड पे भी हो, जस्ट रिकनेक्ट वंस। ओके, या एक काम कर सकते हो, क्लास में जहां पे भी आपको इंटरनेट इश्यू आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, जस्ट नोट डाउन द टाइम, वंस आई अपलोड द रिकॉर्डिंग वहां उस पोर्शन की रिकॉर्डिंग जाके आप देख लो। आई डोंट वॉन्ट डेट यू वॉच फुल वीडियो सो डेट माई वॉच टाइम इंक्रीजेज। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप ये कर सकते हो कि आप उस चीज को जाके, उतने पोर्शन को जाके आप जाके वीडियो में देख सकते हो, ठीक है? डेट इज वाई द पर्पज ऑफ द वीडियो इज सेम ओनली। हाँ, इफ ऑल ऑफ द यू आर फेसिंग द इशू देन डेफिनेटली आई विल हैव टू डू समथिंग, बट देर इज नथिंग मच डेट आई कैन डू, ठीक है? I can just wait. So, अभी हम बात कर रहे थे deviation की, हम बात कर रहे थे कि deviation क्या होता है। Suppose करो मेरे पास कुछ data है। क्या data है सर? 11, एक मिनट। I have some data 11, then 13, then 15, then I have 17, and then I have 19. Okay? ये पांच मेरे पास पांच numbers हैं, 11, 13, 15, 17, 19. जब मैंने इनका मीन निकाला तो मुझे पता चला कि इनका जो मीन है, द एवरेज और द मीन ऑफ दीज फाइव डेटाज इज 15, ठीक है? Here it is coming out to be 15. In any case, it can come out to be different also. For the time being, let us take it as 15. Ab main kya karunga? Now I will subtract this average value with all of these numbers. I will subtract the average value with all of these numbers and let us see what happens. ठीक है? तो यहाँ पे मैंने xi लिख दिया, यहाँ पे मैं एक्स बार लिखूंगा और यहाँ पे मैं एक्स आई माइनस एक्स बार लिखने वाला हूँ। दिस इज आई एम जस्ट डूइंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ डेविएशन। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस फॉर्मूला, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। पहला क्या था? 11। मीन क्या था मेरा? एक्स बार क्या था? 15। 11 माइनस 15 करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस 4। हियर वी विल राइट द वैल्यूज विद देयर साइन। We are going to write the values with their sign. Next is 13. 13 minus 15, I am getting minus 2. Next is 15. 15 minus 15 is 0. 17. 17 minus 15 is 2. And last one is 4. तो बेटा जब आप इस एक्स आई माइनस एक्स बार का जब आप सम निकालोगे तो व्हाट यू विल फाइंड हियर माय डियर फ्रेंड, इट विल बी -4 -2 -4 +-2 will be equal to -6 -6 + 0 will be equal to 0 0 + 2 will be equal to -6 + 2 will be equal to -4 and -4 + 4 will be equal to 0. So ultimately what you are getting,
the sum of xi minus x bar is equal to zero. What I mean to here say is, what I mean to say is, mean में से जब आप सारे observations को subtract करते हो, mean में से जब आप सारे observations को subtract करके जब आप उनका sum करते हो, that should always come out to be zero. This can result as a check. This can result as a check for your mean also, for your mean calculation also. आपने जो mean की calculation की है, वो सही है या वो गलत है, ये उसका एक check हो सकता है कि आपका जो sum आएगा, sum of किसका sum sir? हर observation का difference mean से और उन सारे observations का sum जो आएगा sir, वो हमेशा zero आना चाहिए. ठीक है, तो ये तो हो गया मीन की बात. अब हम बात करेंगे डेविएशन की, कि व्हाट इज दिस डेविएशन अप्रोच. ये जो डेविएशन अप्रोच है सर, ये क्या है? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इन दिस अप्रोच, व्हाट वी डू इज हम लोग एक एवरेज मान लेते हैं. हमारे पास जो गिवन डेटा है, हम लोग उसका एक एवरेज मान लेते हैं, कुछ भी आर्बिट्ररी हम लोग उसका एक एवरेज मान लेते हैं, एंड वी कॉल दिस एवरेज एज ए. सपोज करो यही इसी डेटा की अपन बात करते हैं. जस्ट ए मिनट, आई वाज अबाउट टू इरेज समथिंग. ओके, ये हमारे पास जो डेटा था 11, 13, 15, ओके, और 17 और 19. ठीक है, अब इसका मेरे को एवरेज निकालना है. मैंने क्या किया, मैंने इसका एवरेज मान लिया, कुछ भी अपने मन से मैंने मान लिया कि लेट 17 इज द एवरेज. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नॉर्मली बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे ये जो डेटा है इसमें 17 दिया हुआ है, तो आपने 17 को एवरेज मान लिया. मैं 19 भी मान सकता हूँ, मैं 13 भी मान सकता हूँ, मैं 11 भी मान सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन क्या मैं कोई ऐसा नंबर एवरेज मान सकता हूँ जो इसमें दिया ही ना हो, बट इट इज लाइंग बिटवीन 11 एंड 19? क्या मैं कोई ऐसा नंबर एवरेज मान सकता हूँ? प्लीज ट्राई टू लिसन टू माई क्वेश्चन वेरी केयरफुली. मैंने यहाँ पे 11 से 13 के बीच में जो नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से मैंने एक नंबर को एवरेज मान लिया. ठीक है, माय क्वेश्चन इज, कैन आई अज्यूम एनी नंबर जो कि 11 और 19 के बीच में है, बट इट इज नॉट गिवन हियर? यस, द आंसर इज यस. यू कैन अज्यूम एनी नंबर लाइंग बिटवीन 11 एंड 19 विच इज नॉट गिवन इन दिस सीरीज एज द एवरेज. आप किसी भी नंबर को एवरेज मान सकते हो. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई हैव कैलकुलेटेड द एवरेज एज, मैंने बोला कि लेट द एवरेज इज, लेट द एवरेज इज, और लेट द एज्यूम्ड एवरेज इज 19. ठीक है, एज्यूम्ड एवरेज मेरा कितना हो गया 19. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देन वी विल डिस्कस दिस. अब मैं क्या करूंगा, इस एज्यूम्ड एवरेज से सारे टर्म्स का डिफरेंस निकालूंगा जो हमने पिछली बार किया था. सो यहाँ पे एक्स आई एंड दिस विल बी एक्स बार एंड दिस विल बी क्या बोलते हैं इसको, एक्स आई माइनस एक्स बार. अब यहाँ पे एक और चीज होती है बेटा, जब आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है तो ये हो जाता है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, बट यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दी नहीं हुई है, तो हियर वी विल टेक एफ आई एज वन. फाइन, वी आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, सो हियर वी विल टेक एफ आई एज वन. If you want, I can give you, I can explain the same things with the use of another example. But for the time being, here we are taking fi as 1. Now, 11, हमने average कितना माना था? 17. So here it will be minus 6. 13, 17, here it will be minus 4. 15, 17, here will be equal to कितना? Minus 2. And obviously we are having minus 4 into 1, minus 6 into 1, minus 2 into 1, 17, here we are having 0 into 1, then is 19, 17,
इट विल बी 2 into 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, नाउ आई विल कैलकुलेट समेशन एक्स आई, आई विल कैलकुलेट सम, दिस साइन मीन समेशन, आई विल कैलकुलेट समेशन एक्स आई माइनस एक्स एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई एफ आई, सो दिस रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी -6 - 4 = -10, -6 + -4 = -10, -10 - 2 = -12, -12 + 2 = -10, सो दिस विल कम आउट टू बी एज -10। फिर हम क्या करेंगे, समेशन एफ आई निकालेंगे, समेशन एफ आई इन दिस केस इज 1 1 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5। Now what I will do, I will do, एक सेकंड ना, ये क्या हो गया अचानक से। Now I what I will do is I will डिवाइड दीज टू रिजल्ट, मैं इन दोनों रिजल्ट को डिवाइड करूंगा एंड आई विल सी द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग। तो आफ्टर डिवाइडिंग फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड आई एम गेटिंग -10 / 5 विच इज इक्वल टू -2। अब ये जो -2 आया इसका क्या मतलब है सर, क्या है मतलब, what I am supposed to understand from this, क्या है ये -2, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आया, मीन तो -2 हो नहीं सकता। तो बेसिकली सर आपने शॉर्टकट मेथड के नाम पे हमारा 15 मिनट खराब किया और अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपने मीन एज्यूम्ड किया था ना, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दिस -2 इज इंडिकेटिंग कि बेटा कि सर आपने जो मीन को एज्यूम किया था 17, उस 17 को एज्यूम करने का कोई बेसिस तो था नहीं, आपको तो 17 अच्छा लगा आपने एज्यूम कर लिया, लेकिन आपका जो एक्चुअल मीन आएगा डेट विल बी 17 - 2 विच इज इक्वल टू 15। Your actual mean will be, your actual mean will be equal to 17 - 2, which is equal to 15. I hope I'm making sense. ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। I hope ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि what I have done now is, जो मेरे पास -2 रिजल्ट आया था उस -2 को मैंने अपने assumed mean से subtract कर दिया and the result that I got is 15 which was the actual mean also। हम लोगों ने, मैंने इसी एग्जाम्पल को फिर से इसलिए रिपीट किया था क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी मीन पता है कि द मीन इज 15 और यहाँ से भी इस मेथड से भी वी गॉट द मीन एज 15। अब एक सवाल आता है मेरे दिमाग में कि सर आपने तो 17 लेके किया, ठीक है मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो 13 लेके करूंगा, अब क्या होगा। तो बेटा 13 लेके करोगे तो उस केस में क्या आएगा, ये जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आएगी ये +2 आएगी, तो +2 आएगी तो आपका जो एज्यूम्ड मीन था उसमें आप +2 कर दो, सो यू विल गेट द आंसर एज 15। अगर कोई बोलता है सर मैं तो 18.5 लेके करूंगा, कर ले भाई, उस केस में जो आपका फाइनल कैलकुलेट होके आएगा डेट विल कम आउट टू बी एज -3.5, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, करके देख लेना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, करके देख लेना घर जाके, नहीं आता है तो बताना, ठीक है। सो दिस सेम मेथड इज एक्सप्लेन्ड हियर, दिस सेम मेथड इज एक्सप्लेन्ड हियर। बेटा एक्चुअली मेरे को ज्यादा फॉर्मूले नहीं समझ में आते, ये एक्स आई एफ आई ये सारी चीजें देख के मेरे सिर में दर्द होने लगता है, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक दिस टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, लेकिन जहां ऑप्शन है वहां ये है, दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू दिस मेथड, व्हाई आई वेस्टेड सम 20 मिनट्स, बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड दिस। एक बार ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो एग्जाम में आप इस टॉपिक का क्वेश्चन बहुत प्यार से कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूला याद हो चाहे ना याद हो, आप इस टॉपिक का क्वेश्चन बहुत प्यार से बहुत आराम से कर सकते हो। करना क्या है सर, सिंपल है, हम लोगों ने एक डेविएशन मान लिया और अपन ने
फिर एक्स आई को लिख दिया ए प्लस डी आई, वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन, डी आई इज द डेविएशन, किसका डेविएशन सर, डी आई इज बेसिकली एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए को अपन ने डी आई लिख दिया, तो एक्स आई विल बी इक्वल टू ए प्लस डी आई। उसके बाद अपन ने ये फॉर्मूला, जैसे जैसे ये फॉर्मूला बोल रहा है वैसे वैसे वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, फाइनली वॉट आई एम गेटिंग इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। Nobody is going to ask you the derivation of this formula, so you don't have to worry. Nobody is going to ask you, so you don't have to worry. So finally, the answer will be this. It will be equal to x bar is equal to a plus x bar is equal to a plus summation fi di divided by summation of fi. So this was the method that we by which we can calculate the mean. Standard deviation is something different, so I'll just look into it and then I will tell you, but this is not related to this. No, this is not related to this. I'll just look into it and I will tell you. I read this thing in I guess in third semester during my engineering, so मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि what it is, but definitely I'll tell you someday, ठीक है? तो इसमें जो है, अब अगर हम mean of group data की बात करते हैं तो what can be the various steps? पहला step जो जो अपन ने किया वही चीजें यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स के नाम पे रख दी हैं। सबसे पहले आप एक्स आई कैलकुलेट कर लीजिए। अगर क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है सो योर एक्स आई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और उसके बाद आप एक एज्यूम्ड मीन मान लो, ऑल्दो दे आर सेइंग दैट एज्यूम द मीन इन द मिडिल, मिडिल का जो भी क्लास इंटरवल हो उसके उसके जो वैल्यू हो उसको आप ये मीन एज्यूम कर लो, बट आई वोंट सजेस्ट यू लाइक दिस। जो आपको एज्यूम करना है वो एज्यूम कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, डेविएशन आपका ज्यादा आएगा और क्या होगा, बट नथिंग इज गोइंग टू वेरी, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये क्या है सर, नाउ व्हाट इज दिस स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू रीड दिस एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्टेप डेविएशन मेथड। बेसिकली दिस इज द मेथड इन विच वी हैव ट्राई टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन लिटिल बिट। हमने यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है विच इज इक्वल टू एच। हमने यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है which is equal to h। अब ये h क्या है सर, h is basically मान लो हमारा जो इंटरवल है वो 100 से 200, 200 से 300 इस टाइप से है, तो हम यहाँ पे 100 कॉमन लेके वी कैन डिवाइड द होल थिंग बाय 100, सॉरी हमने 100 कॉमन लेके वी कैन फाइनली जो अपना जो रिजल्ट आएगा इन दैट रिजल्ट वी कैन मल्टीप्लाई द होल थिंग बाय 100, सो आवर रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, आवर रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट होगा क्या कि माय कैलकुलेशन विल बिकम इजियर। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सो जस्ट आई एम रीडिंग दिस I'm just reading this and then I'll explain you. The main objective of subtracting an arbitrary number from an observation xi for the calculation of arithmetic mean by shortcut method is to reduce the number of xi's. ठीक है, जैसा कि हमने मैंने आपको बताया था द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस द थिंग, टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। ठीक है, इस केस में कैलकुलेशन और सिंपल बन जाती है अगर हम जो भी हमारा डिफरेंस आया, हमने क्या किया था, हमने एक्स आई माइनस एक्स बार को सब्ट्रैक्ट किया था, वेयर एक्स बार वाज माय ए, है ना, हमने एक एज्यूम्ड मीन निकाला था, हमने एक्स आई माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया था। अब मान लो ये जो है इन सार एक्स आई माइनस ए जब आपने सारे के सारे किया तो आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है 100, 120, 130, सो यू कैन टेक 10 कॉमन हियर,
आप यहाँ पे 10 कॉमन ले सकते हो। तो जब आपने 10 कॉमन लिया, 10 कॉमन ले लिया कोई बात नहीं, फाइनल जो कैलकुलेशन होगी उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। नाउ हाउ यू हैव टू राइट दिस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कैसे आपको लिखना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज डिफाइन किया है UI। Now what is this UI? This UI is basically nothing but H multiplied by H। H यहाँ पे क्या हो जाएगा? H यहाँ पे 10 हो जाएगा। So UI will be equal to XI minus A। XI minus A was suppose 100। 100 divided by 10 which is equal to 10। U1, U2 will be equal to 120 divided by 10 which is equal to 12। अब आप क्या करोगे? Now जब आप mean calculate करोगे, जब आप question में calculate करके दिखाओगे, then what? Then you will write like this: x bar is equal to a plus h upon n summation ui fi, where ui is 10 and h is also 10. Here luckily h is coming out to be 10, where ui is 10 12 13 and h is equal to 10. So finally jab aap solve karoge, so you are going to get the same thing, you are going to get the same thing, but the thing is aapke calculation ko aasan karne ke liye you can take some few things common in order to simplify your calculation little bit. So we are not going to discuss any question here. कुछ properties हैं mean की, कुछ merits हैं mean के, कुछ demerits हैं mean के। ये चीजें हम लोग next class में पढ़ेंगे। For the time being, I'm just stopping here. Today we had